नव संवत्सर के मांगलिक वेला में गायत्री के सिद्ध तीर्थ शांति कुंज में नवरात्र साधना कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। देश विदेश से आए हजारों साधकों ने त्रिकाल संध्या में जप तप एवं हवन किया, तो वहीं शांति कुंज के मुख्य सभागार से नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने श्री रामचरितमानस में माता शबरी की योग साधना के 9 सोपानों और नवधा भक्ति पर विशेष व्याख्यान दिया। प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा, सोयति से प्रिय भामिनी मोहे सकल प्रकार भगति दृढ़ तुमने। भक्ति दृढ़ हो, हटे नहीं। कोई भी आके कहते कि तुमने, हमने सुना तुमने वो उनको गुरु कर लिया, हमने सुना तुमने उनको गुरु कर लिया, नहीं। आपने एक बार सोच लिया कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता जी हमारे गुरु हैं, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं कभी, तो वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका सब ध्यान रखेंगे पूरा। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ से सुलभ भई सोई, सम दर्शन फल परम अनुपाय। इसी प्रकार से है जैसे दर्शन हो रहा हो सामने, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये पूरा के पूरा एक समुच्चय है जिसमें कि भगवान समझा रहे हैं शबरी को। नवरात्र साधना के छठवें दिन युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने नवरात्रि की विशिष्ट परिशोधन साधना विषय पर साधकों का मार्गदर्शन किया। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, संत कबीर ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, ये कहा है, आग लगी आकाश में, आकाश में आग लगी हुई, आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, ऊपर से तो अंगारों की बारिश हो रही है, आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार, संत न होते तो ये संसार जल गया होता, औरों का जलता न जलता हमारा तो जल ही गया होता, हमें पार करने का आधार सिर्फ एक शक्ति रही, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, जिनने हमें इस संसार से मुक्ति का मंत्र दिखाया, मार्ग दिखाया, आधार दिखाया। तो उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो इस संसार से, संसार के पार के सारे बंधनों से मुक्त करने का न केवल माध्यम बनती हैं, कारण बनती हैं, बल्कि मार्ग भी बनते हैं। अंतिम दिन सर्वे भवंतु सुखिनः की भावना से साधकों ने पूर्णाहुति की और अपने अपने गंतव्य को रवाना हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय में योग महोत्सव योगाभ्यास प्रोटोकॉल का आयोजन आयुष मंत्रालय भारत सरकार, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री ने कहा कि योग का अर्थ है अनुशासन, अपने जीवन में अनुशासन को लाना ही योग है। युवा आइकॉन व देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा, जरा सोच करके हम लोग देखें कि कितने पवित्र और विलक्षण सौभाग्य का साक्षी बन पाने का अवसर हम लोगों को मिला है। एक तरफ गंगा बह रही है, एक तरफ हिमालय की श्रृंखलाएं शुरू हो रही हैं, यहाँ हम लोग भारत की पुण्य भूमि पर उपस्थित हैं, उत्तराखंड की पवित्र भूमि है जिसको ये सौभाग्य मिला कि यहाँ पर गंगा का अवतरण संभव हो पाया, हिमालय के प्राकट्य की ये भूमि रही, पांचों बद्री भी इसी भूमि पर है, पांचों केदार भी इसी भूमि पर है, नवरात्रि की पावन बेला है और आज हम लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रांगण के अंदर उपस्थित हैं, वो भूमि जिसको ये सौभाग्य मिला कि इसने गुरुदेव की चरण धूलि को स्वीकार किया। बहुत कम व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका लिया गया प्रत्येक संकल्प साकार भी होता है, प्रतिमूर्त भी होता है और अनेकों के जीवन को प्रभावित भी करता है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले जब गुरुदेव ने इसी भूमि पर शांति कुंज की स्थापना करी, तो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि भूमि पूरी तरह से दलदली थी, जमीन पर डंडी मारो तो पानी निकलता था। इस भूमि पर लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि यहाँ पर कभी बिल्डिंग भी खड़ी हो सकती है और आज जब हम लोग यहाँ पर इतने बड़े विशाल प्रकल्प को खड़ा हुआ, अनेकों को प्रश्रय देता, अनेकों को पोषित करता हुआ देखते हैं,
तो लगता है कि एक संकल्प को सिद्धि प्राप्त हुई। और आज जब उस भूमि पर हम लोग बैठे हैं तो आज की सुबह एक बड़े गंभीर भाव को लेकर के आई, ये याद दिलाती आई कि इस योग का मूल भाव क्या है। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उच्च प्रशिक्षित योगाचार्यों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास कराया। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने यज्ञोपैथी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। यज्ञोपैथी रिसर्च सेंटर में विभिन्न बीमारियों के उपचार के संबंध में शोध किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एशिया के प्रथम बाल्टिक सेंटर सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकल्पों, स्वावलंबन कार्यशाला एवं कागज लघु उद्योग का अध्ययन किया। प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य के विकास की प्रार्थना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की सराहना की। शांति कुंज का श्री राम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी हॉस्पिटल आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर है। यहाँ ओपीडी से लेकर ओटी तक की सुविधाएं हैं। शांति कुंज हॉस्पिटल के विस्तार के इसी क्रम में ईएनटी के परीक्षण हेतु एक अत्याधुनिक मशीन का शुभारंभ हुआ। हर जगह एडवांस एडवांसमेंट हो रहा है, वैसे ईएनटी के लिए मरीजों को देखने की सुविधा के लिए हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी से न्यू यूनिट आई है, इसको बोलते हैं ईएनटी ट्रीटमेंट यूनिट। इसके अंदर इसी यूनिट में सभी कुछ सुविधा है, जैसे 100 पेशेंट के लिए हमारे पास एक लाइट की जरूरत पड़ती है तो लाइट हमारे पास है, और साथ में हमारे कोई भी कान की सफाई करनी है, कुछ करनी है, सिरिंजिंग करनी है, डीवैक्सिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास सक्शन है, सक्शन पाँच अक्सर कर सकते हैं, इसमें एक सक्शन दिया गया है जिससे आप सक्शन करके यहाँ से कर सकते हैं। और साथ में ही हमारे पास जो है एक कोई भी मिरर को गर्म करना है जिसमें एंटी फॉग डिवाइस होता है, जिसके अंदर एंटी फॉग डिवाइस रखा हुआ है, साथ में कैमरा फैसिलिटी दी गई। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको पेशेंट को कहीं दूर अभी भेजना है किसी इंडोस्कोपी करवाने के लिए, तो इसी यूनिट में इंडोस्कोपी भी दी गई है। ओके, जिसके लिए हम बाहर भेजते हैं, खासकर हम जैसे जॉलीमान भेजते हैं, कहीं और भेजते हैं, तो ये सुविधा हमारे पास है कि हम दूरबीन की पद्धति द्वारा मरीज की एग्जामिनेशन परीक्षण ही कर सकते हैं। वर्ष 2026 परम वंदनीय माताजी के जन्म शताब्दी वर्ष है। अब से लेकर वर्ष 2026 तक जन जन तक परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माताजी के विचारों को पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी के मार्गदर्शन में नव संवत्सर के प्रथम दिन गुजरात के श्यामला जी से ज्योति कलश रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा की केंद्रीय प्रतिनिधि श्री उदय किशोर मिश्र द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई और फिर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा वर्ष 2026 तक गुजरात के गांव-गांव में जाएगी और युग निर्माण मिशन के संदेशों को पहुंचाएगी। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को सच्चा दोस्त और मार्गदर्शक बताया गया है। यही कारण है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच युवा वर्ग में अच्छे साहित्य के प्रति रुझान बढ़ रहा है। युवा वर्ग की आवश्यकता के मद्देनजर अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई बस्ती द्वारा आवास विकास कॉलोनी में युग साहित्य स्टॉल का शुभारंभ किया गया। पूज्य गुरुदेव के जीवनोपयोगी एवं युग साहित्य के प्रति जबरदस्त आकर्षण देखने को मिला। बच्चे देश के भावी कर्णधार हैं। बच्चे अच्छे विचार वाले होंगे तो परिवार समाज भी अच्छा होगा। परम पूज्य गुरुदेव के इसी विचारों से प्रभावित हो अखिल विश्व गायत्री परिवार यू के बच्चों तथा युवाओं में आत्मविश्वास जगाने हेतु विविध अभियान चला रहा है। नन्हे बच्चों को पेंटिंग और बड़े बच्चों के लिए विविध कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इससे अनेक बच्चे रचनात्मकता के साथ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने राजस्थान प्रवास के आरंभ में अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा आइकॉन
एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, वीर राजपूतों की भूमि उदयपुर मेवाड़ के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां गायत्री परिजनों ने उनका स्वागत किया। इसके पश्चात गायत्री शक्तिपीठ डूंगरपुर में मां गायत्री का पूजन कर उन्होंने नव निर्मित यज्ञशाला का लोकार्पण किया। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में पहुंचे और दीप महायज्ञ में उपस्थित गणमान्य अतिथियों और गायत्री परिजनों को संबोधित किया। फिर उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ आसपुर में गायत्री शक्तिपीठ के नव निर्मित भवन एवं भोजनशाला का शुभारंभ किया। प्रवास के अगले क्रम में युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी बांसवाड़ा के घाटोल में आयोजित 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में पहुंचे और गायत्री परिजनों का उत्साहवर्धन किया। युवा आइकॉन ने गायत्री परिजनों को हनुमान की भांति गुरु कार्य के लिए समर्पित भाव से कार्य करने हेतु प्रेरित किया। युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी और आदरणीय शेफाली पंड्या जी गुजरात के खेड़ा जिले के छीपड़ी में आयोजित 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं नारी जागरण सम्मेलन में पहुंची। परिजनों ने आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने गायत्री माता मंदिर में पूजा अर्चना की, पश्चात नव निर्मित यज्ञशाला और स्मृति भवन का लोकार्पण किया और गायत्री परिजनों से भेंट कर कुशल क्षेम जाना। आदरणीय शैफाली दीदी ने नारियों को उनकी गौरव गरिमा को याद कराया और उन्हें परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माताजी के हनुमान की संज्ञा दी। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि पूज्य गुरुदेव ने हमें दिए की तरह जलना सिखाया है। मानव जन्म एक अनमोल उपहार के रूप में भगवान द्वारा मिलता है तथा इसका उपयोग कर हमें अपने जीवन को निहाल करना है। आपको बता दें कि इस गांव में परम पूज्य गुरुदेव 1980 में एक विशेष कार्यक्रम में आए थे और 4 दिन तक प्रवास किए थे। गुजरात प्रवास के दौरान युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं आदरणीय शैफाली पंड्या जी गायत्री परिवार यूथ ग्रुप अहमदाबाद द्वारा वृक्ष गंगा जन अभियान से संबद्ध 302वां रविवारीय वृक्षारोपण श्रृंखला कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ पौधारोपण से हुआ। युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने कहा कि पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है, इससे बचने के लिए वृहत स्तर पर पौधारोपण करना होगा। आज हमें प्रतिज्ञा लेनी होगी कि वृक्ष लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। पश्चात उन्होंने चार भुजा मंदिर में दर्शन कर पूज्य गुरुदेव के सत साहित्य के स्टॉल का उद्घाटन किया। विभिन्न घरों में देव स्थापना की, गायत्री परिजनों से आत्मीय मिलन हुआ। युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी बड़वानी जिले के तलवाड़ा बुजुर्ग ग्राम में गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ बड़वानी और सिरवी समाज द्वारा आयोजित दंपत्ति शिविर में पहुंचे। परिजनों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रसिद्ध आई माता मंदिर में पूजन कर मानव मात्र की कल्याण हेतु प्रार्थना की। पश्चात युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि नारी शक्ति में संवेदना का स्वर माता भगिनी बेटी बहू के द्वारा ही मुखरित होता है। उन्होंने पारिवारिक जीवन में सुसंस्कारिता के अभिवर्धन हेतु सहयोग एवं प्रेम को महत्व देने के लिए प्रेरित किया। निमाड़ के प्रसिद्ध तीर्थ में से एक है गायत्री धाम सेंधवा। यहाँ बाल संस्कार शाला सहित अनेक ऐसी गतिविधियां चलाई जाती हैं जिससे ये धाम आशा की एक किरण के रूप में उभरा है। अपने प्रवास के दौरान युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हरे भरे वृक्षों से आच्छादित गायत्री धाम सेंधवा पहुंचे, विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान परिजनों को मार्गदर्शन दिया और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दिखाए गए पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान इंदौर के सेमलिया चाऊ गांव पहुंचे। गायत्री महायज्ञ में उपस्थित परिजनों के श्रद्धा निष्ठा को उभारा और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए उल्लसित किया। प्रवास के अगले क्रम में देवास के सिरोलिया पहुंचे और स्वर्गीय श्री नारायण दास जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
मध्य प्रदेश के प्रवास के अंतिम चरण में युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी संस्कृत ग्राम झिरी पहुंचे। वेद मंत्रों एवं जय घोष के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। गायत्री मंदिर में पूजा अर्चना की और गायत्री महायज्ञ में आए कार्यकर्ताओं को यज्ञीय जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रभु श्री राम के अवतरण दिवस रामनवमी के मौके पर गायत्री तीर्थ शांति कुंज में 24 घंटे का अखंड रामायण का पाठ हुआ। इस दौरान अनवरत रामायण जी की चौपाइयां मधुर स्वरों में संगीतबद्ध हो गूंजती रहीं। रामायण पाठ में शांति कुंज कार्यकर्ता भाई बहनों के अलावा विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में आए प्रशिक्षणार्थी भाई बहन भी शामिल हुए। मनुष्य को स्वस्थ रहना जितना आवश्यक है उतना ही भूमि का सुपोषण होना, इसी उद्देश्य से युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के मार्गदर्शन में देव संस्कृति विश्वविद्यालय भूमि सुपोषण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भूमि सुपोषण कार्यक्रम के अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय के युवाओं को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखा नॉर्थ अमेरिका में युवाओं को भारत की जड़ों से जोड़ने का कार्य तेजी से हो रहा है। युवाओं को भारतीय संगीत, ध्यान, योग आदि सिखाया जा रहा है। समय समय पर युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में बसे ये युवा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से ओतप्रोत हो रहे हैं और सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सचिव डॉक्टर एच जोशी के नई दिल्ली के आवास में युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने गायत्री यज्ञ संपन्न कराया। डॉक्टर जोशी ने सपत्नीक श्रद्धापूर्वक हवन में आहुतियां दी। युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने यज्ञ के विज्ञान और उसके तत्व दर्शन को समझाया और उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति और वातावरण के परिशोधन के लिए यज्ञ को परम आवश्यक बताया। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने डॉक्टर जोशी को परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य भेंट किया। पश्चिम बंगाल प्रवास के क्रम में आज गायत्री परिवार प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी कलकत्ता पहुंचे। विमानपत्तनम पर गायत्री परिजनों द्वारा स्वागत एवं भेंट के उपरांत वे रामकृष्ण मिशन मुख्यालय बेलूर मठ पहुंचे। वहां रामकृष्ण मिशन के महासचिव संघ परिसर अवस्थित ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया एवं मुख्य मंदिर की आरती में भी सम्मिलित हुए। रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष पूज्य स्वामी भजनानंद जी से शिष्टाचार भेंट के पश्चात आदरणीय डॉक्टर पंड्या काशीपुर उद्यान दर्शन प्रणाम हेतु पहुंचे, जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव की जीवन लीला का उत्तरार्ध पक्ष संपन्न हुआ था। अंत में स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान के निकटतम गायत्री मंदिर का भी दर्शन एवं पूजन संपन्न किया।